हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में दिल्ली टू अमृतसर जर्नी थी और सेकंड पार्ट में गोल्डन टेंपल के मैंने दर्शन कराए आपको। चाहे वो ट्रेन की जर्नी हो, मैंने शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में आपको बहुत कुछ बताया और इसी तरह से गोल्डन टेंपल के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाई। थर्ड पार्ट में हम साडा पिंड में पहुंच गए हैं। साडा पिंड इज़ अ कल्चर लिविंग विलेज म्यूजियम जो कि 12 एकर लैंड पर बना हुआ है, जिसमें आपको पंजाब का कल्चर, कलर्स एंड फ्लेवर्स एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर कैब से उतरे हैं, हम कैब से ही आए थे और यहाँ पर कैब मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। साडा पिंड से ही अरेंज हो जाती है कैब। किलोमीटर्स के हिसाब से चार्जेस लिए जाते हैं और ये टिकट काउंटर है। एडल्ट्स के लिए यहाँ 750 की और बच्चों के लिए 600 की टिकट है। तो हमने टिकट ली और हम अंदर एंटर कर गए। ये एंट्री है और हमने एंट्री करने से पहले जो हमारे पास एक्स्ट्रा सामान था, हमें लगा कि हमें उसे यहाँ जमा करवा देना चाहिए, जिससे कि आती बार हम इसे ले लेंगे, उठाकर घूमना नहीं पड़ेगा। क्योंकि साडा पिंड में एंटर करने के बाद वहाँ पर एंजॉय तभी किया जा सकता है जब आपके पास ज़्यादा सामान ना हो। तो सामान सबमिट करवाने के बाद हम लोगों ने अंदर एंट्री ली है और ये हमें पिंड की खुशबू यहाँ से आनी स्टार्ट हो गई है। व्यूज़ बहुत ही सुंदर है गाइस यहाँ पर, और हरियाली इतनी और बहुत ही नीट एंड क्लीन बना हुआ है। अमृतसर गोल्डन टेंपल से 8 किलोमीटर है और एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर है, और यंगस्टर्स को भी यहाँ का कल्चर समझने में बहुत आसानी होती है। एंजॉय करते हैं सभी लोग यहाँ पर। मुझे तो यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। सुबह 10:30 बजे से रात 10 बजे तक है और यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगा कि जैसे पूरे के पूरे पंजाब का कल्चर यहाँ पर सिमट कर आ गया हो। ये जो चारपाई है बहुत बड़ी सी बिछी है जिस पर कि पूरा पिंड ही समा जाएगा, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और सामने जो ये अमृतसर लिखा है, इसमें लोग पिक्स भी कैप्चर करवाते हैं। और अब मैं ले चलती हूँ आपको बहुत ही प्यारी सी पिंड की एक झांकी में, जहाँ पर कि ये लेडी एक गोबर थाप रही है, बट ये स्टैचू है, ओरिजिनल मत समझ लेना इसे। ये देखिए बिल्कुल ऐसा जैसे जेन्युइन ही हो। और यहाँ पर वेलकम किया गया लस्सी से, बहुत ही ठंडी ठंडी और टेस्टी वाली लस्सी थी। ये सब स्टैचू हैं, इवन कि एक काऊ का भी स्टैचू ही है, बिल्कुल असली लुक देने का ट्राई किया है यहाँ। और ये देखिए चरखा भी है, सब काम हाथों से किए जाते हैं यहाँ, यही है पंजाब की शान। तो अब हम जा रहे हैं मक्की की रोटी और सरसों के साग का आनंद लेने, तो आप भी आइए हमारे साथ। देखिए कितने स्माइल करते हुए ये लोग वेलकम करते हैं। पंजाब के टेस्ट में सबसे पहले मक्की की रोटी और सरसों के साग का ही नाम आता है जनाब। तो ये लोग हमें बोल रहे थे कि खाना खा लो पेट भरकर, बट हम खाना खा कर आए थे, हमें नॉलेज नहीं थी कि यहाँ पर खाने का भी इतना अच्छा है। यहाँ हमने हर एक चीज को एंजॉय किया, मजा आ रहा था मुझे बहुत यहाँ। ये क्या, ये लंबरदार दा कार है रहा, नंबरदार दा कार है रहा, नंबरदार सो रहे ने। तो ये नंबरदार का घर है जहाँ पर कि नंबरदारनी सो रही है, और ये भी स्टैचू ही है। बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें बनी है यहाँ, और ये मेहंदी वाली बैठी है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मेहंदी लगवा सकते हैं। और ये मैं आपको घुमा दूँ सारा नंबरदार का घर, किस तरह से पंजाब के नंबरदार रहते हैं।
और उनके बच्चे चाकू बनाकर खेलते हैं। हम भी बचपन में बहुत सारा चाकू खेले हैं। ये किचन है पंजाब की, इतनी बड़ी किचन के अंदर ही बैठकर खाना खाया जाए। आज ये तो सारा आटा पीस ही डालेंगे, सारी गेहूँ इनके आगे रख देनी चाहिए। तो मैंने भी थोड़ी सी ट्राई की, ऐसा नहीं है कि अकेले पीस ले दूंगी। तो अब हम आ गए हैं भैंसों के तबेले में। ये सब स्टैचू है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा सा लग रहा है। अब ये है कपड़ा बुनने की मशीन, जहां पर कि इसे हाथों से और पैरों से ऑपरेट कर रहे हैं, पैरों से धागा बदलने के लिए। और ये हम आ गए हैं भांगड़ा सेक्शन में, जहाँ पर कि गिद्दा भांगड़ा शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। और ये यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन है। यहाँ देखिए चारपाइयाँ, जिसको कि मंजी बोला जाता है, यहाँ इतनी सारी मंजियाँ बिछी हैं बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। और मैं हर एक चीज़ को एंजॉय कर रही थी। यहाँ पर बहुत म्यूज़िक था, जो कि मैंने आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी है यहाँ की। तो हम लोग यहाँ का जो ब्यूटी है ना, उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर गीता और भांगड़ा के बिना तो पंजाब अधूरा है। तो हम लोग भी कैसे रह सकते थे इन सब से दूर। तो हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया, हमने डांस भी किया, और कलाकारों के डांस को एंजॉय करते हुए वहाँ की ड्रेसेस को भी एंजॉय किया। डांस सेक्शन से बाहर आकर हमने यहाँ झूले और गेम्स को भी एंजॉय किया, जहाँ पर कूपन सिस्टम है। कूपन हमें टिकट के साथ ही मिल जाते हैं, टिकट में ही इंक्लूडेड होते हैं, और डिनर भी कूपन में ही इंक्लूडेड है। और इसका सिस्टम भी बहुत अच्छा है, खाना बहुत ही टेस्टी होता है यहाँ का, डाइनिंग भी सुपर्ब है और डेकोरेशन भी। हमने इस तरह से यहाँ पर खाने को एंजॉय किया। हम लोगों ने साडा पिंड में 4 बजे एंट्री की थी, और अब 10 बज चुके हैं। तो अब हम बाहर की तरफ आ रहे हैं वापसी पर, और मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी ब्यूटी में 4 चांद लग चुके हैं, क्योंकि लाइट्स ऑन है और हर एक चीज़ लाइट में एक अलग ही तरह से ब्यूटीफुल लग रही है, और बहुत अच्छा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा से नई जगह पर आ गए हैं। और यहाँ पर एक एक चीज़ की खूबसूरती का बखान करना बहुत मुश्किल है। होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ की जानकारी को, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को विद बेल बटन, जिससे कि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस आप तक पहुँच सकें, और अमृतसर के सभी पार्ट्स का मज़ा आप बहुत अच्छे से ले सकें, क्योंकि ये मेरा 3rd पार्ट है। इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे, और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लीव कीजिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय।